हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माय चैनल। नोटिस कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट हो गई है पहली इस चैनल की। माइक ले लिया गया फाइनली, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। अच्छा, इस वीडियो के ना दो पार्ट मेजरली होंगे। एक तो ये स्टोरी, इसका बैकग्राउंड एक्चुअली में है क्या ये, और दूसरा मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इससे कैसे रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा यार, अपोलो 11 का तो नाम आप सबने सुना ही होगा, राइट? द फर्स्ट एवर लैंडिंग ऑन द मून, जिस स्पेसशिप में हुई थी, जिस शटल में हुई थी, उसका नाम अपोलो 11 रखा गया था। हमारे भाई साहब मेरे ख्याल से अब गुजर गए हैं इस दुनिया से, नील आर्मस्ट्रांग भाई और उनकी टीम उसमें बैठ के मून पे लैंड किए थे फर्स्ट टाइम। अब पता नहीं असल में लैंड किए थे नहीं किए थे, एरिया 51 में सारा सिमुलेट हुआ था या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बहुत सी स्पेकुलेशन है इंटरनेट पर। बहरहाल, वी आर अज्यूमिंग दैट दे एक्चुअली लैंडेड ऑन द मून। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, स्टोरी यार आप लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा पता ही होगी। कुछ यूँ है कि दो साइंसदान थे, एक नील आर्मस्ट्रांग भाईजान थे, बहुत ही फेमस है, जिसका तकरीबन सारी दुनिया को पता है, और एक उनके साथ साथी थे, बज ऑल्ड्रन नाम है उनका, उनका शायद दुनिया को इतना नहीं पता। स्टोरी बिगिंस जब मून पे लैंड होने से तकरीबन 7-8 मिनट पहले की बात है। इनके सिस्टम में एक एरर शो होने लग गया, एरर कोड 1202। एस्ट्रोनॉट्स ना कुछ भी मिशन करने से पहले थाउजेंड्स नहीं, प्रॉब्ली हंड्रेड्स ऑफ आवर्स जो है ना वो सिम्युलेटर में गुजारते हैं, पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद ही ये लोग स्पेस मिशंस पे जाते हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग वगैरह और उसकी टीम ने भी ये सब किया, लाजमी किया। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स बिफोर द फ्लाइट उन्होंने ट्रेनिंग की, और उनके पास हंड्रेड्स ऑफ पीपल की टीम होती है जो बैक एंड पे नासा के ऑफिस बैठ के उनको गाइड करती है ड्यूरिंग द फ्लाइट। और उनके पास भी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो साइंसदान, क्योंकि साइंसदान होते हैं ये सब, इनके पास पॉसिबली हर चीज़ का हल होता है जो कि मसला अकर हो सकता है स्पेसक्राफ्ट में। तो इनके पास वो लिस्ट भी थी जो पॉसिबल एरर्स जिन पे लिखे हुए थे, जो कि अकर हो सकते थे ड्यूरिंग द लैंडिंग, ड्यूरिंग द टेक ऑफ, ड्यूरिंग द फ्लाइट, जितनी भी पॉसिबिलिटी। 1202 एक ऐसा एरर कोड नज़र आने लग गया इनको स्क्रीन पे लैंड होने से कुछ मिनट्स पहले, जो इनकी ना लिस्ट में था, जो इनकी ना ट्रेनिंग का पार्ट था कभी भी, और जो इन्होंने कभी किसी के साथ डिस्कस किया ही नहीं था, ना इंजीनियर्स और ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इनके साथ डिस्कस किया था वाइल देवर ऑन अर्थ। समझ लें कि बंदे की क्या हालत हुई होती है उस वक्त। आ गई वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में ज़मीन से चांद पे जा रही हैं, ऊपर से उनके पास एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है उनके सामने स्क्रीन पे जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और ना किसी ने आज तक बताया उनको। ये ऐसे ही है कि आप कोई एक चीज़ गूगल पे सर्च करें और गूगल आगे से कह दे दिस इज़ नॉट इन आर डेटाबेस। तो ये इनके साथ हुआ उस वक्त सिचुएशन में, और सिचुएशन क्या थी भाईजान, हवा तो नहीं, खैर स्पेस में थे ये, और 7-8 मिनट पहले बस मून, क्या वो चांद सामने ही होगा ना 7-8 मिनट सामने, उस वक्त ये एरर कोड आ गया। सबसे पहले इंस्टिंक्ट यही कहता है कि भाई गो टू योर ट्रेनिंग बेसिक्स। इन्होंने एक दूसरे को देखा, कुछ समझ नहीं आई, फिर इन्होंने ऑब्वियसली फिर आगे कॉन्टेक्ट किया नासा के ऑफिस जो कि इनके साथ पैचअप में था, नासा को बताया कि भाई 1202 का एरर है, बताओ हमने क्या करना है, हमें तो लिस्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा जो रिस्पॉन्ड करना है जिसके अकॉर्डिंगली। अब जब उनके पास ये मैसेज पहुंचा, वो भी टेंशन में, हैरानगी में, यार ये क्या सीन हो गया, ये तो कभी प्लान का पार्ट ही नहीं था कि ऐसा एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। उनमें नासा में एक जो इनका गाइडेंस ऑफिसर होता है, मतलब जो समझ लें जो फर्स्ट ऑफिसर है इनके साथ कम्युनिकेट करता है जो एस्ट्रोनॉट्स के साथ, स्टीव बेल्स उसका नाम था, वो गया भागा भागा बैक ऑफिस में इंजीनियर्स के पास, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जो इनकी टीम थी सारी बैठी हुई थी। तो एक जैक गारमैन के नाम से एक इनका बंदा था जो कि कंप्यूटर इंजीनियर था, तो जिसने जो रिस्पॉन्सिबल था सॉफ्टवेयर वगैरह को देखने के सारा, तो उसको बताया भाई ये 1202 क्या है, बताओ। उसने अपनी, उसके पास भी वही लिस्ट थी जो उनके पास, उसने अपनी लिस्ट में देखा जी, टक 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 टक, अच्छा जी उसको मिला ये 1202 कोड। उसने कहा रुको जरा, सबर करो, कि ये बेसिकली एक ऐसा कोड हमने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में इनफीड किया है कि अगर कंप्यूटर ओवरलोड हो जाए किसी प्रोसेस की वजह से या प्रोसेसेस की वजह से, तो वो शट डाउन होने की बजाय वो अपने आप को सेल्फ रीबूट करे, रीलोड कर ले मेमोरी को, ताकि सिस्टम जो है वो अब नॉर्मल ना वर्क करे, नॉर्मली वर्क करना शुरू कर दे। हम भी जब अक्सर, मतलब आप लोग भी, कोई भी जब सिस्टम हैंग हो जाते हैं हम क्या करते हैं, वो शट डाउन बटन दबा के और रीस्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर, तो वही सीन था इनका भी। तो उसने बताया कि यार ये इस तरह ऑटोमेटिकली है, ये ह्यूमन इनपुट नहीं रिक्वायर करता, को 1202 को आता आने दो, कोई मसला नहीं है, ये बेसिकली सिस्टम अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, रीबूट कर रहा है, तो आप लोग जो हैं अपना काम करें,
हैं सुकून से, कोई मसला नहीं है। तो ये मैसेज फिर उनको कन्वे किया गया नील आर्मस्ट्रांग भाई को और उनकी टीम को। तो फिर वहाँ बहरहाल सुकून तो नहीं आता, जाहिर है एक चीज़ आपके सिस्टम में वार्निंग आ रही है और आपने, आपको ये पता कि अभी आप लैंड भी नहीं हुए तो अभी आपने वापस भी जाना है, तो वो ज़्यादा टेंशन होती है वापस की। तो बहरहाल ये छोटा सा एक बग या कह लें कि एक एरर जनरेट हुआ रन टाइम पे। तो इससे मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ सबको, क्योंकि देखो हम भी जो है ना जब कोड लिखते हैं अपना, होता क्या है कोड वगैरह लिख लेते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाता है, टेस्ट करते हैं आप अपनी लोकल मशीन पे जिस पे आपने बनाया होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, मतलब ए टू जी एक फंक्शनैलिटी वर्क कर रही होती है एज इट इज़। उसको उठा के आपने जब प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट पे डाला और रन का बटन क्लिक किया, सारा का सारा कोड फट जाता है, सारा का सारा सॉफ्टवेयर फट जाता है, आपको पता ही नहीं होता, आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है उस वक्त, क्योंकि क्लाइंट वेट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, पॉसिबिलिटीज़ एक एक टेस्ट कर ली, लेकिन एज इट इज़ जब उसको उठा के प्रोडक्शन में रखा वो चलता ही नहीं है। तो उसके लिए अलहदा जो है वो फिर वर्कआउट करना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है, और वो दिमाग रन टाइम पे लगाना पड़ता है। जिस तरह ये अब नील आर्मस्ट्रांग भाई स्पेस में बैठ के क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं था करना गया, हालांकि साइंसदान था वो तो, लेकिन स्टिल क्यों ट्रेनिंग नहीं हुई, कभी एरर ही नहीं आया ऐसा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कभी, हम सब एरर्स ऑलमोस्ट हर एरर से वाकफ ही होते हैं हम जो बनाते हैं जब कोड, लेकिन जो ही उस कोड को उठा के हम प्रोडक्शन में रखते हैं और रिलीज़ करते हैं तो भजन वेबसाइट पे हिट करते हैं, कभी इंजन एक्स का एरर आया था तो कभी रीडायरेक्शन का एरर आया था तो कभी कोई एरर जो कभी ज़िंदगी में देखे नहीं होते एरर। इस केस में तो चलो ये लकी थे कि वो एरर कोई इतना मसला नहीं था, वो सिस्टम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था, वार्निंग कर रहा था कि भाई मैं अपने आप को रीबूट कर रहा हूँ तो लेट मी रीबूट माई सेल्फ, क्योंकि सेल्फ रीबूट उन्होंने लगाया था ताकि ह्यूमन टच ना मिले सिस्टम को, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो थे नहीं आर्मस्ट्रांग वगैरह। तो ये सीन भी होता है। ये बड़ी मज़े की स्टोरी, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, मैंने कहा यार आप लोगों से शेयर करूँ कैसे एक छोटे से एरर ने नील आर्मस्ट्रांग जैसे साइंसदान को टेंशन में डाल दिया, वो भी तब जबकि वो 7 मिनट या 8 मिनट दूर था चांद पे लैंड होने से, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ह्यूमन हिस्ट्री में कोई चांद पे जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप ये रिलेट कर सकते हैं टोटली। वो कंप्यूटर इंजीनियर जो था जैक गार्मन, वो भाई साहब बताना तो चाहिए था भाई साहब को कि यार ये 1202 या 1201 आ जाए तो ठीक है, ये कंप्यूटर रीबूट की वार्निंग है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आप इमेजिन करें यार कि एक चीज़ कि लाखों किलोमीटर आप दूर हैं और जान आपकी हथेली पे है और आपके सामने ये चीज़ आ गई जो कि आपको कभी दिखाई नहीं गई। बहरहाल ये चीज़ें होती रहती हैं, कहते हैं ना ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ हम भी अपनी जॉब में प्लीज जब हम डिप्लॉय कर लेते हैं कोड या सिस्टम्स तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार चलेगा नहीं, तभी जो है ना हम कभी भी फ्राइडे को डिप्लॉयमेंट्स नहीं करते क्योंकि वीकेंड होता है और अगर फ्राइडे को कुछ फट जाए और वो फंस जाए तो वो सारा वीकेंड जो है ना डिस्ट्रॉय होता है। नॉर्मली हम मंडे या ट्यूसडे रखते हैं डिप्लॉयमेंट्स के लिए, और ये हर जगह ऐसे ही होता है, वीकेंड के करीब करीब वाले दिन कभी नहीं रखते डिप्लॉयमेंट्स के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखा होगा आपने, सीखना ये चाहिए आपको कि भाई यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग, you cannot become perfect in anything, you can try your best के कोई error ना आए, कोई मसला ना आए, लेकिन मसला always expect a मसला। तो ये हर developer पे आता है यार ये period, time period। जितने भी आपको मिलेंगे developer वो relate कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होता है और हुआ है अक्सर और हमारे साथ भी होता है हर दफ़ा। जिस दिन मैं ये आर्टिकल पढ़ा मैं उसका लिंक भी नीचे लगा दूंगा, मैं पढ़ रहा था मैं कहा यार चलो इसी पे एक वीडियो बना लेते हैं आप लोगों को थोड़ा पता चले कि फ़र्स्ट मून लैंडिंग तो हमने सुनी है कि हाँ भी फर्स्ट मून लैंडिंग लेकिन उसके ड्यूरिंग क्या क्या मसले आए स्पेशली रिलेटेड। तो ऑब्वियसली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही बात करते हैं इस चैनल पे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या मसले आए अपोलो 11 की लैंडिंग में, फिर किसी वीडियो में यार आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम टॉपिक के साथ आएंगे और मज़े की बात करेंगे, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। आप लोगों के पास भी कोई नॉलेज होता है यार कमेंट्स में बता दिया करो, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लो अगर मुझसे बात करनी है, कोई सजेशन लेनी है, देनी है कुछ भी, तो वहाँ पर आप बात कर लें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।